हाँ तो भाई लोग, काफी लंबे टाइम इंतजार के बाद आज फाइनली रिलीज हो गया है जवान का न्यू ट्रेलर। पिछले दो कमजोर गाने के बाद ये सेकंड आइटम ऐसी है रेड चिली एंटरटेनमेंट की तरफ से जो मुझे काफी अच्छा और एंटरटेनिंग लगा। सच बताओ तो पठान मूवी से पहले भी जवान मूवी को लेके मेरा मन में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, पर जब मूवी का प्रीव्यू रिलीज हुआ था तब इस मूवी को लेके मेरा डाउट और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मूवी का सारा एक्शन एक ही प्रीव्यू में क्यों डाल दिए। पर यहाँ पर मैं गलत था, क्योंकि ये बात तब तक सही थी जब तक इस मूवी का ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ था। पर जब मैं आज फाइनली इस मूवी का ट्रेलर को वॉच किया तब पता चला कि उसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक्शन था, पर इसमें फैमिली एंटरटेनमेंट, कॉमेडी एंड एक्शन देखने को मिला जो सीरियसली व्यूअर्स को काफी अट्रैक्ट किया मूवी को। अनिरुद्ध की BGM, SRK के डायलॉग एंड इटली कुमार के विजुअलाइजेशन के दम पे ये मूवी इतना हाइप में है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तीनों में से एक भी कैरेक्टर अगर मिसिंग होता तो मूवी का इतना हाइप कभी भी नहीं होता, और शायद ही लोग इसको इतना सपोर्ट करते। बाकी जवान के प्रीव्यू में मैं नयनतारा की काफी बड़ा फैन हो गया था, लेकिन ट्रेलर को वॉच कर लेने के बाद ये फैन फॉलोइंग वाला टैग नयनतारा से हटके विजय सेतुपति की ओर चला गया। देखो भाई लोग, गौर करने की बात यही है कि नयनतारा इतने भी सफेद नहीं है जितने की ट्रेलर में विजय सेतुपति के बाल है। समझ रहे ना लाल? कैरेक्टर की लुक, डायलॉग प्लस एक्टिंग, ये तीनों जब एक साथ मिल जाएगा तब एक विलियन जबरदस्त से भी ऊपर चला जाएगा। और ये एग्जाम्पल KGF मूवी का अधीरा और या फिर बाहुबली का कट्टप्पा से भी ले सकते हो। बाकी फुल ट्रेलर को वॉच करने के बाद मूवी के स्टोरी के रिगार्डिंग कुछ बात पता चला, जैसा कि ट्रेलर में SRK की डबल रोल देखने को मिला था, बाप और बेटे वाला। और एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, ट्रेलर की इस वीडियो में मैं बार बार प्रीव्यू की जिक्र क्यों करता हूँ, क्योंकि आप लोग को याद होगा जवान की जो प्रीव्यू आया था तो बड़े बड़े यूट्यूबर प्रीव्यू की रिव्यू में SRK की चार लुक के बारे में बोला था और वो चार लुक चार कैरेक्टर बता दिए थे। और ऐसा होने के पीछे एक ही रीजन है और वो है मेकर्स लोगों की आइडिया, मतलब कि मूवी को हाइप में लाने के लिए ये क्या क्या कर सकते हैं। ये बात में कोई गलत नहीं है कि मूवी में SRK की चार लुक देखने को मिलेगा, पर प्रीव्यू में ये कैरेक्टर को इस तरीके से डेवलप किए कि जैसे व्यूअर्स को लगे कि ये SRK की चार लुक नहीं चार कैरेक्टर है। मूवी में SRK की डबल रोल के सिवाय भी काफी सार बैकग्राउंड स्टोरी भी देखने को मिलेगा, जिसके बदौलत मूवी की क्लाइमेक्स काफी जबरदस्त होगा। बाकी मुझे और एक बात पता नहीं थी जो मुझे ये ट्रेलर को देखने के बाद ही पता चला, और वो ये है कि तारा मैम काफी सुंदर है। हाँ मानना मैं अभी सेतुपति की एक्टिंग को काफी पसंद करता हूँ, लेकिन मैडम जी इसके अंदर है। अभी ये कौन बोल रहा है कि अनन्या पांडे मेरा सेकंड क्रॉस है?